हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में रिप्रोडक्शन हमने शुरू किया था, जिनमें हमें बडिंग इन ईस्ट तक के टॉपिक को कवर कर लिया था। आज हम कुछ नए टॉपिक्स को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो चलिए, मल्टीपल फ्यूजन, बडिंग, बडिंग इन ईस्ट, हमने ये सब पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए भाई, आखिरकार स्पोर फॉर्मेशन में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है स्पोर फॉर्मेशन। हिंदी में बोला जाता है बीज निर्माण, ठीक है। अब बीज निर्माण किस तरीके का है भाई, ये भी देख लो। कुछ इस तरीके से, देखो क्या है। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, कौन सा प्लांट कह सकते हैं, जैसे राइजोपस, म्यूकर, ये प्लांट है, ठीक है। हिंदी में भी इन्हें राइजोपस कहा जाता है। और म्यूकर, ठीक है जी, ये प्लांट है। अब इन प्लांट की क्या खास बात होती है कि जिस तरीके से गर्मी के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा, एक सफेद सफेद कलर का रुई जैसा होता है, वो हवा में उड़ रहा होता है, ठीक है। अलग अलग नाम से बोला जाता है, हमें बचपन में बुड्ढा बाबा, बुड्ढा है, पता नहीं क्या क्या करके उसे बुलाया जाता था, ठीक है। और बच्चों को कुछ जिस तरीके का होता है, उसमें एक सीड टाइप की होती है, उसके चारों तरफ भाई क्या व्हाइट कलर के बाल टाइप होते हैं, ऐसे व्हाइट कलर के क्या होते हैं, बाल टाइप होता है, और वो उड़ रहा होता है। फूक मार दो तो हट जाएगा, कुछ और कर दो तो हट जाएगा, तो मतलब अपने अपने प्लेस से हट जाते हैं, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं क्या है, ये कैसे बनती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ठंड के अंदर क्या होता है, राइजोपस, म्यूकर वगैरह में क्या होता है, ठंड के मौसम में ये बिल्कुल छोटे से होते हैं। ये जो चीज दिख रही है बड़ी सी, ये बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर ये देख रहे हो आप डॉट 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 मैंने बनाए, ये सीड्स हैं। ये अंदर कौन भरे हुए हैं, सीड्स भरे हुए हैं। और जिस थैले में ये पैक है ना, इसको कहा जाता है स्पोर्जियम। क्या कहा जाता है? स्पोर्जियम। हिंदी में कहा जाता है बीजाणुधानी, बीजाणुधानी, ठीक है जी। और ये बीजाणुधानी में क्या होता है, सीड्स बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, और ये भरता रहता है, भरता रहता है, और ठंड में बनना शुरू होता है ऑलमोस्ट, और गर्मियों तक ये भर जाता है। और जैसे ही भर जाता है, भरने के बाद फटता है। भरने के बाद क्या होता है बच्चों, फटता है। और जैसे ही फटेगा, जैसे ही फटेगा, फट के भाई क्या होता है कि जब अपने एक अनुकूल परिस्थिति में आता है, फेवरेबल कंडीशन में आता है, ये फट के बाहर निकल जाते हैं इस तरह के सीड्स। और क्या करते हैं, मान लो कोई ब्रेड या कोई भी रोटी का टुकड़ा है, अगर उस पर गिर गई, अब ये नहीं है कि ये ढूंढ के गिरते हैं, अगर गिर गए, ठीक है, और अगर ये इसके ऊपर गिर गए, तो आप क्या देखते हो, कभी कभी ब्रेड और रोटी वगैरह के टुकड़ों पर फंगस सी लग जाती है, ठीक है। आप देख रहे हो, देखते होगे कि व्हाइट व्हाइट कलर के ऐसे बाल टाइप से उग जाते हैं चारों तरफ, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ऐसे उग जाते हैं, ठीक है, जो कि एक प्रकार के नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट, अनहरित पौधे, अनहरित पौधे, ठीक है जी। क्यों होते हैं नॉन ग्रीन? क्योंकि इनके अंदर बच्चों क्लोरोफिल नहीं होता। इनके अंदर क्या नहीं होता? क्लोरोफिल नहीं होता। जब क्लोरोफिल होंगे नहीं तो ग्रीन नहीं होंगे, इस वजह से इनके अंदर क्या भाई, जब क्लोरोफिल ना होने की वजह से इनको नॉन ग्रीन प्लांट कहा जाता है। और बच्चों इन्हीं सीड्स के द्वारा ये और भी बहुत सारे क्या कर देते हैं, फंगस को जनरेट कर देते हैं। किसको? फंगस को जनरेट कर देते हैं, ठीक है, कवक को। और इसी से बच्चों क्या होता है, नई तरह के क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, नए तरह के भाई डेवलपमेंट होती है। इसी को रिप्रोडक्शन इन स्पोर फॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको रीजनरेशन पढ़ाता हूं।
ठीक है। अगला बच्चों रीजनरेशन, अगला टॉपिक क्या है? रीजनरेशन, पुनर्जनन। हाँ जी बच्चों, क्या होता है रीजनरेशन? देखिए बच्चों, रीजनरेशन में क्या होता है? पुनर्जनन मतलब क्या कि अपने कटे हुए अंग से, अपने किसी कटे हुए बॉडी पार्ट से नए बॉडी पार्ट्स को डेवलप कर लेना, या उसी कटे हुए अंग से अपने आप को पूरा डेवलप कर लेना, अपने आप को पूरा का पूरा डेवलप कर लेना रीजनरेशन कहलाता है, पुनर्जनन कहलाता है। जैसे समुद्रों में एक प्रकार का भाई इंसेक्ट, एक कीड़ा पाया जाता है, प्लेनेरिया। क्या पाया जाता है? प्लेनेरिया। जो कि बच्चों एक प्रकार का सिंपल मल्टी सेल्यूलर होता है, ठीक है, सरल एक कोशिकीय जीव होता है। सरल एक कोशिकीय क्या होता है भाई? जीव होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या है ध्यान से देखो। जैसे भाई ये मान लीजिए प्लेनेरिया एक इस टाइप का कीड़ा होता है, ये उसके ऑर्गन है, ठीक है। अब मान लीजिए भाई इसको हमने तीन हिस्सों में कट कर दिया। अब जरूरी थोड़ी हम ही कट करेंगे, मान लो किसी बड़ी मछली ने इसको खाया, इसके दो तीन टुकड़े हो गए और उसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है, ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो कैसे चलेगा? मान लो किसी मछली ने खाया, दो तीन टुकड़े हो गए, या हमने ही इसको पकड़ लिया और काट दिया, काट दिया, तो भाई ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया और ये हिस्सा अलग हो गया। तो अब क्या होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ बॉल ऑफ सेल, कौन सा प्रोसेस? बॉल ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का पिंड, कोशिकाओं का पिंड, इस प्रोसेस के द्वारा, कोशिकाओं का पिंड, इस प्रोसेस के द्वारा हम इसको आगे क्या कर सकते हैं भाई? रीजनरेट कर सकते हैं। कैसे होएगा रीजनरेट? देखो भाई इतना हिस्सा तो इसका है ही, ठीक है, अपने कटे हुए अंग से क्या करेगा? बाकी के हिस्से को ऐसे रीजनरेट कर लेगा। इसका इतना हिस्सा तो है ही, इसी तरह बाकी के हिस्सों को क्या कर लेगा? रीजनरेट कर लेगा। इसका ये वाला हिस्सा तो है ही, इससे ये वाला हिस्सा रीजनरेट कर लेगा। कौन से प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ बॉल ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के पिंड द्वारा, मतलब कोशिकाओं के पिंड बना लेता है और अपने आप को कंप्लीट कर लेता है। और इस तरीके से जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, कोशिकाओं का पिंड कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो जो इसके अंदर ऑर्गन की कमी है वो सारे ऑर्गन कवर कर देगा, वो सारे ऑर्गन क्या कर देगा? ये कवर कर देगा। समझ में आ रही बात? ये सारे ऑर्गन क्या कर देगा? कवर कर देगा। कौन से प्रोसेस के बाद? बॉल ऑफ सेल्स के बाद, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों ये क्या करता है? रीजनरेशन करता है, अपने एक कटे हुए अंग से ही अपने आप को पूरा का पूरा डेवलप कर लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा कर लेता तो पूरी दुनिया में तो ये दिखाई देने चाहिए, ये तो हमें दिखाई नहीं दिए और ना ही हमने आज तक देखे। तो बच्चों इनकी लाइफ ना बहुत कम होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है इनकी लाइफ, ठीक है। कुछ चंद दिनों के मेहमान होते हैं ये लोग और जन्म लेते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद अपने आप ये पूरी तरीके से डेड हो जाते हैं, इनके सेल ही डेड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको कट कर दिया तो सेल तो डेड हुए नहीं, उसी वाले सेल से, उन्हीं जिंदा सेल से नए सेल बना देता है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बॉल ऑफ सेल। लेकिन जब इनके पूरे कंप्लीट सेल डेड हो जाते हैं तब ये क्या हो जाता है भाई? फिर ये प्रॉपर तरीके से डेथ हो जाती है। लेकिन अगर इनका सेल जिंदा है और इनका कोई अंग कट जाता है तो उसी से ये नया प्लेनेरिया क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो ये उतार लीजिए, फिर इसके बाद बताता हूं आपको फ्रेगमेंटेशन। चलिए
अगला है फ्रैगमेंटेशन। अगला टॉपिक फ्रैगमेंटेशन, खंडन। ठीक है बच्चों, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल रहेगा स्पाइरोगायरा। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा? ठीक है, ये स्पायरोगायरा। और ये कैसा होता है बच्चों? ये होता है सिंपल मल्टी सेल्यूलर। कैसा होता है? सिंपल मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, सरल बहुकोशिकीय। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब इसकी भी यही खासियत है कि इसको भी अगर भाई मान लो दो तीन हिस्से में आप कट कर देंगे, इसको भी अगर आप दो तीन हिस्से में कट कर देंगे तो भाई, ठीक है, ठीक है, ये इनको तीन हिस्सों में मैंने कट कर दिया। अब क्या होगा, कुछ समय बाद देखोगे कि ये हिस्सा भी कंप्लीट इनकी तरह बन गया, ये हिस्सा भी कंप्लीट इसकी तरह बन गया, और ये हिस्सा भी कंप्लीट इसकी तरह बन गया। तीनों के तीनों, तीनों के तीनों हिस्से कंप्लीट अपने पेरेंट सेल जैसे, अपने सेम सिमिलर, पीछे जैसे हमने ये फिगर बनाई है सेम उसकी तरह ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, और इसी के द्वारा हम लोग क्या देखते हैं भाई, इसी के द्वारा हम ये देखते हैं कि फ्रेगमेंटेशन भी बिल्कुल फीजन की तरह है। फ्रेगमेंटेशन भी इक्विवेलेंट किसकी तरह है? फीजन की तरह है। लेकिन फीजन नहीं है, लेकिन फीजन नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फ्रेगमेंटेशन और फीजन में क्या डिफरेंस है, खंडन में और विखंडन में क्या क्या डिफरेंस है, तो बस एक डिफरेंस बता देना आपको, क्या कि भाई फ्रेगमेंटेशन सिंपल मल्टीसेल्यूलर में होता है, जबकि फीजन सिंपल यूनिसेल्यूलर में होता है। किसमें होता है? यूनिसेल्यूलर में, सरल एक कोशिकीय में होता है। किसमें होता है? सरल एक कोशिकीय में। तो बस ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये तो रीजनरेशन जैसा लग रहा है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो रीजनरेशन जैसा लग रहा है। तो भाई ये रीजनरेशन जैसा नहीं है, क्योंकि रीजनरेशन के अंदर दो बातें थी। पहला, इंसेक्ट के अंदर ऑर्गन होते हैं, इसके अंदर कोई ऑर्गन नहीं है। दूसरा, वो अपने बॉल ऑफ सेल के द्वारा अपने आप को रीजनरेट करता है, लेकिन ये बॉल ऑफ सेल के द्वारा अपने आप को रीजनरेट नहीं करता है। समझ में आ रही है बात? तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, अब आपको तसल्ली से क्या करना है, इसे देखना है, समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, नोट कर लीजिए पहले इसको, ठीक है, अपनी कॉपी में। बाकी मैंने बताया है कि लिखने के लिए आपको नोट्स मिलेंगे, बेधड़क होकर नोट्स से लिखिए। अगला टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखो ये तो पूरा समझने का ही है, मैं आपको बता दूं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। तो बच्चों कायिक प्रवर्धन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, सुनिए।
जब हम बिना सीड के, बिना बीज के कोई प्लांट डेवलप कर दें, कोई प्लांट ग्रो कर दें, उसी को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही सभी बच्चों को? क्या बताया मैंने कि जब किसी बिना सीड के डायरेक्ट किसी प्लांट को ग्रो कर दिया जाए, उसी को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। जैसे आलू, पटेटो, ठीक है जी। आलू, ध्यान से सुनिए बच्चों, आलू के बारे में बताऊं। आलू एक प्रकार का ट्यूबर है। आलू एक प्रकार का क्या है? ट्यूबर है, हिंदी में कंद। कैसे है बच्चों? ट्यूबर, कंद। ये कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ एक स्वेलन पार्ट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ क्या है? एक स्वेलन पार्ट है, फूला हुआ भाग है। क्या है? ऐसा ही होता है आलू, ठीक है। एक ऐसा फूला हुआ भाग है जिसको अगर बच्चों मैंने देखा है कि अगर मैं इसे या तो काट के लगा दूं या मिट्टी में लगा दूं, तो ये आंखें जो टाइप की बन रही है ना, आईज बन रही है इसकी, इसी में से आपने कई बार देखा होगा प्लांट बाहर निकलने लग जाते हैं। इसी में से क्या निकलने लग जाते हैं बच्चों? प्लांट बाहर निकलने लग जाते हैं। आप चाहे तो कभी चेक कर लेना, चाहे अपने घर में अपने पेरेंट्स से पूछना, वो बताएंगे कि अगर उन्होंने खेती देखी है अपने टाइम पे, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, आप अभी शहर में रह रहे हो, ठीक है, तो आपने नहीं देखी हो। और जो मेरे बच्चे गांव वाले पढ़ रहे हैं, उनको तो अच्छे से पता होगा कि ऐसे होता है। क्या क्या आप अगर देखना, अगर आलू की खेती होती है तो कैसे होती है? आलू को काट देते हैं, लगा देते हैं, आलू काट देते हैं, लगा देते हैं, कुछ कुछ तो पूरा कंप्लीट भी लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो उनकी आंख टाइप होती है, आईज टाइप होती है, इनमें से क्या निकलने लग जाते हैं भाई? प्लांट्स बाहर निकलने लग जाते हैं, जिससे आलू क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। तो हमने क्या किया, किसी सीड का इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्ट आलू लगाया और सीधा क्या भाई, आलू का प्लांट बना दिया। तो इसी तरीके से बच्चे हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इस मेथड को कहा जाता है कि जब बिना सीड के हम लोग ये काम करें। जैसे चलो, ये आलू वाला अगर काम किसी ने नहीं किया होगा, तो एक मनी प्लांट तो सब बच्चों ने सुना है, और मनी प्लांट के बारे में हर कोई अच्छे से जानता है। क्या जानते हो आप कि मनी प्लांट का कोई भी हिस्सा तोड़ो, ठीक है, और उसे अपने घर में लगा दो, क्या देखोगे आप? अपने आप भाई, क्या पानी में, अगर आप उसे मिट्टी में भी लगाने की जरूरत नहीं है, पानी में डाल के रख दो बस, पानी में एक बोतल ले लो, उसमें पानी में डाल के रख दो, आप क्या देखो, कुछ समय बाद वो धीरे 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 ग्रो करने लग जाएगा। और अगर उसका अच्छा बेस कर दिया आपने पानी में डाल के, तो वो तो बहुत मतलब ऊपर भी सरफेस पे चढ़ना शुरू कर देता है, लटक जाएगा पूरे में नीचे तक, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि मनी प्लांट भी इसी का एग्जाम्पल है, मनी प्लांट भी इसी का एग्जाम्पल है कि उसका कोई भी एक हिस्सा तोड़ेंगे, ठीक है, मनी प्लांट भी उसी का एग्जाम्पल है, अगर उसका कोई भी हिस्सा तोड़ेंगे तब भी ग्रो कर जाएगा। अब एक और होता है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम, हाँ भाई, ब्रायोफाइलम क्या है? हिंदी में भी ब्रायोफाइलम कहते हैं, ब्रायो फाइलम, ठीक है जी। ब्रायोफाइलम, इसमें क्या होता है बच्चों, एक पत्ता होता है, मान लो ऐसे लीफ सा होगा, ठीक है। अगर ब्रायोफाइलम के पत्ते को भी तोड़ के, लीफ को भी तोड़ के अगर आप जमीन में लगा दोगे ना, तो इसके उसमें से भाई क्या होंगे भाई, भाई छोटे छोटे ऐसे कली निकलना शुरू हो जाएंगी पत्ते में से, देख लो। यानी सीड की जरूरत ही नहीं है, बस आप ब्रायोफाइलम के पत्ते को तोड़ो और लगा दो। सॉरी सॉरी बच्चों, ठीक है। क्या कि ब्रायोफाइलम के पत्ते को भी तोड़ के, लीफ को भी तोड़ के अगर मैं जमीन में लगा दूं, तो उसमें से भी प्लांट उग जाएगा। तो यही सारे मेथड हैं बच्चों कि हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब यह है कि जब बिना सीड के आप कोई भी प्लांट ग्रो करवा लें, कोई भी नया प्लांट ग्रो करा लें, तो उसी को सॉरी यार, धूल से उठ रही है। चलिए अब ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब क्या कि जब बिना सीड के हम लोग क्या कर दें भाई, प्लांट को ग्रो कर दें, तो उसी को हम क्या कहते हैं भाई, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे मैंने एग्जांपल ट्यूबर का दिया, आलू, ब्रायफाइलम का दिया भाई, उसके लीफ को, मनी प्लांट का कोई भी एक छोटा सा हिस्सा तोड़ के लगा दो, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट रह गया आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। लास्ट क्या रह गया? आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। इससे क्या होगा बच्चों, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में क्या होगा कि ये आपको पढ़ना है नोट्स में से, ठीक है। अब आता आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
बच्चों तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या है, जब मैन मेड तरीके से, इंसानी तरीकों से, ठीक है, इसमें नेचुरल का कुछ नहीं होता, इंसान जब तक ऐसा नहीं करेगा तब तक वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। है नेचुरल लेकिन इंसान को उसके अंदर अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी, मतलब वो टाइप नया अपनाना पड़ेगा तब जाके ऐसा होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, हिंदी में कृत्रिम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो ये तीन तरीके का होते हैं। पहला होता है कटिंग, कटिंग मतलब कर्तन लगाना। दूसरा होता है लेयरिंग, ठीक है, दाब लगाना। और अगला होता है ग्राफ्टिंग, कलम बांधना, ठीक है जी, ग्राफ्टिंग। तो इन तीन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग क्या होता है बच्चों? कटिंग नाम से क्लियर हो रहा है, कटिंग कर्तन लगाना, मतलब क्या, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये भाई भाई मान लीजिए आपके पास ये गुलाब का पौधा है, रोज का, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक ही बार में कम से कम 15-20 प्लांट लगा दूं, ठीक है, और 15-20 प्लांट लगा दूं। क्यों? क्योंकि मुझे गुलाब की खेती करनी है, ठीक है, क्योंकि देखो शादियों वादियों का सीजन आता है तो आपको पता ही है लोग गुलाब के वो बुके बनवाते हैं, ठीक है, गिफ्ट करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से शादियों के सीजन में काफी सारे बुके वगैरह, ये वो, किसी की सालगिरह है तो उसमें बुके देते हैं, तो आपको पता ही है गुलाब का बहुत काम है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि कटिंग करना है और भाई जो फार्मर है, जो किसान है, वो गुलाब की खेती करना चाहता है, तो वो सीड लगाएगा तब तो यार बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सीड पहले डेवलप होगा, फिर वो प्लांट में कन्वर्ट होगा, फिर धीरे धीरे। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट प्लांट टू प्लांट बात करूं तब तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? कुछ नहीं, अगर मैं एज अ फार्मर सोचूंगा तो मेरे को जल्दी से जल्दी उगाने के लिए एक तरीका है, क्या, कि मैं इनकी टहनियों को कट करना शुरू कर दूंगा, कुछ छोड़ दूंगा, ये नहीं पूरा पेड़ ही खाली कर देना है। जो बड़ा सा गुलाब का पेड़ है उसमें से मैं लगभग लगभग मान लो 30% भाई कट कर लूंगा, क्या, छोटी छोटी शूट्स, टहनियां, ठीक है। और ये कट करके मैं, लेकिन कट करते वक्त मैं ये ध्यान रखूंगा कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ क्या होने चाहिए, लीव्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ क्या होने चाहिए, लीव्स होने चाहिए। क्यों होने चाहिए लीव्स? क्योंकि अगर ये लीव्स नहीं होंगे बच्चों, अगर ये लीव्स नहीं होंगे तो ये खुद भी डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लीव से ही तो फोटोसिंथेसिस करके क्या करेंगे, वो अपना खाना बनाएंगे। इसलिए अब इनको कट कर दिया, और कट करके क्या करूंगा, एक लाइन से भाई इनको फटाफट क्या करूंगा, ये ले भाई, फटाफट करके इनको मैंने लगा दिया, ये ऐसे लगा दिया मैंने, ये मैंने ऐसे इनको ऐसे जमीन में गाड़ दिया, ठीक है, ठीक है, जमीन में ऐसे मैंने ऐसे गाड़ दिया, लेकिन लीफ होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अब मैंने देखो एक प्लांट से तीन प्लांट काट दिए, अब क्या करूंगा, काट के लगा दूंगा जमीन में। कुछ समय बाद क्या होगा, अपने आप इसके अंदर रूट्स आने लग जाएंगी, कुछ समय बाद अपने आप क्या होगा, इसमें रूट्स आने लग जाएंगी। फिर मैं हल्का हल्का खींच के देखूंगा, हल्का हल्का इसको क्या करूंगा, खींच के देखूंगा, अगर मुझे टाइट लग गए तो इसका मतलब भाई इनमें रूट्स आ चुकी हैं। अब रूट्स आ चुकी हैं तो अब क्या है कि भाई ये प्लांट से डायरेक्ट क्या हो बन गया, प्लांट ही बन गया, सीड का कोई चक्कर ही नहीं रहा। फिर ये अपने आप कुछ समय में ग्रो करने लग जाएंगे, अपने आप कुछ समय में ग्रो करने लग जाएंगे, और ग्रो करके क्या करेंगे भाई, गुलाब का फूल उगा देंगे, क्या कर देंगे, गुलाब का फूल उगा देंगे। तो ये क्या है, ये बच्चों एक ऐसा ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल तरीका है जो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, जो बहुत ही ज्यादा क्या है, फास्ट। क्योंकि अगर मैं सीड लगाता तो वो भाई सीड से पहले कली बनता, कली से फिर आगे बनता, फिर धीरे धीरे प्लांट बनने की कोशिश करता, लेकिन यहां तो भैया मैंने
ट्री से काटा, डायरेक्ट प्लांट लगाया, डायरेक्ट यहां से सीधा क्या, मैंने सीधा प्लांट टू प्लांट बात की है, मतलब बीच का जितना भी हमारा 1 महीने 1.5 महीने का प्रोसेस था वो मैंने क्या कर दिया, सीधा खत्म कर दिया, डायरेक्ट लाके इस पे रख दिया मैंने, यानी इसकी स्टेज ही बदल दी। अब स्टेज बदल दी तो क्या करेगा, ग्रो क्या करेगा, फास्ट करेगा, और इसी को क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, कटिंग। क्या कहते हैं, कटिंग। अब बात करते हैं लेयरिंग। अब मान लीजिए आपके पास जैस्मिन का प्लांट है, किसका प्लांट है, जैस्मिन, आपको पता ही है जैस्मिन का प्लांट बड़ा लचीला होता है, बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, बड़ा लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करो, बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। अब मैंने आपको चैलेंज दिया कि भाई आप ना इसे बिना बीज से, बिना बीज के, बिना कटिंग किए मुझे एक नया प्लांट बना के दिखाओ इससे। तो आपने कहा ठीक है जी, साइंस हम पढ़ चुके हैं रोहित सर से, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है सब, तो हम क्या करेंगे भाई, बस बात खत्म। यहां से एक किसी भी टहनी को, किसी भी एक सूट को जो कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल हो उसे खींचो, और यहां पे करो एक गड्ढा, यहां पे क्या करो एक गड्ढा, और उसको खींच के ऐसे नीचे दबाओ और ऐसे बाहर निकालो। लेकिन बाहर निकालते वक्त ये ध्यान रखना कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या होने चाहिए, लीफ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लीफ नहीं होगी तो भाई वो खाना नहीं बना पाएगा। और फिर क्या करो, उसको मिट्टी में वापस क्या कर दो, दबा दो। समझो फिर से मैंने क्या किया, इसको खींचा, खींच के भाई यहां पे मैंने गड्ढा किया, गड्ढे के अंदर से ये बाहर निकाल दिया, और लीफ वाला हिस्सा बाहर कर दिया, और अंदर मैंने ये वाला हिस्सा दबा दिया वापस मिट्टी से, ठीक है। अब ये फ्लेक्सिबल है तो इधर की तरफ झुक जाएगा, कोई बात नहीं। अब कुछ समय बाद आप क्या देखोगे, कुछ समय बाद आप देखोगे कि इसके अंदर भी अपने आप जड़े आने लग गई। कुछ समय बाद क्या देखोगे कि अपने आप इसके अंदर क्या आने लग गई भाई, जड़े आने लग गई। अब फिर जो भी फार्मर होगा वो हल्का सा खींच के देखेगा, खींच के देखेगा कि हाँ भाई टाइट है, अगर टाइट है तो फिर वो क्या करेगा, यहां से इसको कट कर देगा। अब कट कर देगा तो क्या हो गया, ये अलग हो गया और ये प्लांट अलग हो गया, ये अपनी जिंदगी जिएगा, ये अपनी जिंदगी जिएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, लेयरिंग कहा जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लेयरिंग कहा जाता है। तो बस इस तरीके से इसको देखना है, समझ में आ रही है बात, कि भाई हमने इसको पहले झुका के अंदर से ऐसे बाहर ले गए, कुछ समय बाद इसमें अपने आप रूट्स आ जाएंगी, खींच के देखेंगे टाइट लगेगा तो क्या करेंगे, कट कर देंगे, ये प्लांट अलग हो गया और ये प्लांट अलग हो गया। और इस तरीके से बच्चों हम लोग एक नए प्लांट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ा भाई लेयरिंग, जो कि जैस्मिन के पौधे में होता है, चमेली के, किसके पौधे में होता है, चमेली के पौधे में होता है, ठीक है, कोई दिक्कत, उतारो, नोट कर लो। आज सेक्सुअल का लास्ट टॉपिक रह गया ग्राफ्टिंग, ठीक है, ये भी देख लो फटाफट, फिर खत्म करते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक है आपका ग्राफ्टिंग, कमल कलम बांध देना, ठीक है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है बच्चों, अब जैसे देखो एप्पल होता है तो एप्पल रेड कलर का होता है, लेकिन हमने भाई ग्रीन कलर का भी देखा है। एक होता है भाई प्लम, एक होता है पीच, ठीक है, ये भी अलग अलग होते हैं लेकिन बना दिए जाते हैं। फिर एक होता है पियर, नाशपाती, लेकिन एक होता है आप लोगों ने सुना होगा बबूबूसा। अब भाई ये जो है ये क्या चीज है भाई, ये बड़ा मीठा होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, पियर से यानी नाशपाती से तो काफी अच्छा होता है, तो ऐसा क्यों। एक आपने नाग नाग करके सुना होगा, छोटे छोटे फल होते हैं, पता नहीं ऐसे ही बोलते हैं यार हमारे इलाके में तो, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोलते हैं तो, लेकिन वो है वो भी क्या, पियर का ही एक टाइप है, नाशपाती का ही एक टाइप है खाने में, लेकिन वो ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। लेकिन मतलब जो ओरिजिनल है पियर वो इतना स्वादिष्ट नहीं लग रहा जितना ये बबूबूसा और ये क्या भाई नाशपाती, वो क्या नाम है नाग, ये ज्यादा अच्छे लग रहे खाने में। तो कैसे, क्योंकि जरूर इनके अंदर कोई ना कोई इंप्रूवमेंट किया गया है, जरूर इनके अंदर कोई ना कोई बदलाव किया गया है, किसके द्वारा, इंसानों द्वारा। तो ये अब जैसे मैं आपको एक बबूबूसे का एग्जाम्पल लेता हूँ कि भाई, या सेब में भी किस तरीके चेंज लाते हैं वो एग्जाम्पल लेता हूँ एक। जैसे मान लीजिए भाई ये एक ना, मान लीजिए सेब का प्लांट है, ये भाई एप्पल हो गया, एप्पल का प्लांट हो गया, और ये मान लो पियर का प्लांट है,
ये नाशपाती का प्लांट है भाई। अब क्या करो, अब क्या करो, अब भाई मैं चाहता हूं कि मैं ना नाग बनाऊं या एप्पल में थोड़े चेंज लेकर आऊं, या जैसे अब मान लो पियर में चेंज लाना है। अब क्या तरीका है कि हम इसको चेंज करके कुछ नया बना सकते हैं? तो इसको स्लांटली काट दो पहले। तो कैसे काट दो? स्लांटली। लेकिन ये काम ना ऐसा नहीं है कि जब ये बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा तब करना है, जब ये बिल्कुल छोटे से रहेंगे तभी ये काम कर देना है, क्योंकि जब बड़े होके करेंगे तो पूरा पेड़ थोड़ी उठा पाओगे एक दूसरे के लिए, ठीक है? फिर दोनों की मोटाई भी हो सकता है अलग अलग हो, इसलिए दोनों की पहले विड्थ चेक करनी है कि हाँ भाई दोनों बराबर हैं, और दोनों बराबर हैं तो कट करो, और कट करके पियर वाला हिस्सा इस पे और एप्पल वाला हिस्सा इस पे, यानी मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं यहाँ पे पियर, मतलब क्या हुआ, एप्पल के ऊपर पियर, और ये वाला हिस्सा यहाँ ट्रांसफर कर दो, मतलब ये हिस्सा यहाँ ट्रांसफर होएगा और ये हिस्सा यहाँ ट्रांसफर होएगा, और भाई एप्पल वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो मतलब पियर के डंडी के ऊपर भाई क्या होगा, एप्पल आ जाएगा, यानी ठीक है, यानी ये हिस्सा अब एप्पल का हो गया, ये हिस्सा पियर का हो गया, ये हिस्सा अब किसका हो गया, पियर का, और ये हिस्सा पूरा किसका हो गया, एप्पल का। हमने दोनों को एक्सचेंज कर दिया। अब ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है स्कायन, क्या कहा जाता है, स्कायन, स्कंद नहीं, कलम कहते हैं इसको, कलम। और नीचे वाले को कहते हैं स्टॉक, उसमें भी यही नाम रहेगा, उसमें बदलेगा नहीं, ठीक है, उसमें भी है स्कंद। तो बच्चों नीचे वाला स्टॉक और नीचे ऊपर वाला स्कायन। अब करते क्या है भाई, स्लांटली काट दो, तिरछा काट दो, और तिरछा काट के ट्रांसफर कर दो, और ट्रांसफर करके उसके बाद कपड़े से बांध दो। कपड़े से बांध दोगे तो क्या रहेगा भाई, स्टेबल हो जाएगा। अब जिस तरीके से अगर हमारा अंग कट जाता तो खून निकलता है, तो हम लोग उसे पट्टी वट्टी बांध के खून रोक देते हैं, उसी तरह ये कटेगा तो भाई इनके अंदर के भी जो ब्लड टाइप, मतलब वैसे तो ब्लड नहीं होता, लिक्विड होता है, वो लिक्विड बाहर निकलने लग जाएगा, और अगर वो लिक्विड बाहर निकलेगा तो इस पे मक्खी वक्खी लगने लग जाएगी, जिसकी वजह से वो हार्मफुल बैक्टीरिया लेकर आएगी और प्लांट मर सकता है। इस वजह से कट करने के बाद इसको प्रॉपरली पॉलिथीन से ढक देना है। किससे ढक देना है? पॉलिथीन से ढक देना है। और जब आप इसको पॉलिथीन से ढक देंगे, कवर कर देंगे, तो हार्मफुल बैक्टीरिया से ये क्या हो जाएगा, बच जाएगा, और जब ये बच जाएगा तो कुछ समय में ये हील हो जाएगा। हील मतलब जो कटा हुआ अंग है वो पूरी तरीके से इसके ऊपर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ के ये एक पूरा कंप्लीट प्लांट बन जाएगा। और फिर कुछ समय बाद जब ये बड़ा होगा, ट्री बनेगा, तो भाई ये पियर जो यहाँ की एप्पल वाले में शिफ्ट हो गया, इस एप्पल में कुछ चेंज देखने को मिलेगा आपको, और जो ये एप्पल से अब यहाँ पे पियर आ गया है, यहाँ पियर में भी आपको कुछ चेंज देखने को मिलेगा। मतलब जो पियर है वो हो सकता है बबूबोसा या नाग वगैरह, ये सब जो भी है वो बन जाएगा। तो हमने क्या देखा कि भाई सिर्फ एक प्लांट के एक्सचेंज से हमने इसके पूरे कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया, पूरे कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया। अब जैसे आपने सुना है संतरा, माल्टा, मौसमी, ये क्या है यार भाई, एक ही चीज है, लेकिन बस वैरायटी अलग-अलग चेंज कर करके सबको बदल दिया गया है, ठीक है? अच्छा, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि जब हम इन प्लांट को एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर करें, तो इनके जो भी ये हिस्से होंगे जिनको हम एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि इनके इनकी विड्थ जो हो, चौड़ाई जो हो, बिल्कुल सेम हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब हम इनको लगाएं, चिपकाएं, तो सब पेड़ों के किनारे में, प्लांट के किनारे में एक लेयर होती है, कैम्बियम लेयर, कैम्बियम लेयर हिंदी में होती है एधा परत, ठीक है? ये ना बच्चों इनका काम होता है ग्रोथ करना। इनका काम क्या होता है कि प्लांट के अंदर ग्रोथ करना, ठीक है? टू ग्रोथ इन प्लांट, पौधे में वृद्धि, पौधे में वृद्धि करने का काम होता है किसका, कैम्बियम लेयर का। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब स्टॉक और स्काइन को एक साथ ऊपर रखे तो बिल्कुल प्रॉपर एक दूसरे के ऊपर बैठ जाए, प्रॉपर एक दूसरे के ऊपर बैठ जाए, ठीक है? अगर नहीं बैठेंगे तो होगा क्या भाई, जब बैठेंगे ही नहीं तो ग्रोथ करेगा ही नहीं, लेकिन जब एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगे तो क्या कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। और इसी मेथड को बच्चों कहा जाता है ग्राफ्टिंग। क्या कहा जाता है? ग्राफ्टिंग। पल्ले पड़ गई बात। अब इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, नोट्स जो है मैं आपको सभी बच्चों को ग्रुप में डाल दूंगा, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप में, और वहां से आपको इसको पढ़ना है, लिखा हुआ बहुत सारा है, वहां से आपको ये देख के अपनी कॉपी में खुद लिखना है, क्योंकि नोट्स के भरोसे रहोगे तो फिर हो गया काम। तो इसलिए जो नोट्स के अंदर लिखा हुआ प्रॉपर तरीके से अपने कॉपी में लिखना। आज आपका असेक्सुअल का टॉपिक खत्म हो गया है, अगली क्लास में सेक्सुअल शुरू होगा, और वो भी 2 से 3 क्लास में पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।